हे ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो? और आप लोग मेरे चैनल चंडीगढ़ वाला में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। गाइस, मैं आज आ रखा हूँ उल्लापुर के इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर, जिसको यादविंद्रा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से देखो रास्ता। आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे को भाई यहाँ पे टोटली अभी बंद है फिलहाल। अभी ऊपर चलते हैं, आप वीडियो बने रहो। आज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और इस जगह के बारे में बताने वाला हूँ। काम वगैरह चल रहा है, कंस्ट्रक्शन में है। मुझे इसकी हालत देख के लग रहा है इसको एक साल तो इसको साफ करने करने में लगेगा पूरा। भाई वायरिंग वूरिंग चल रही है यहाँ पे। क्रिकेट स्टेडियम दिखाने से पहले, रिवील करने से पहले, मेरे पीछे ही है, आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। मेरे साथ हैं अनिल सर, ऑलरेडी मिल चुके हो इनको, ठीक है। इनका भी चैनल है, अभी थोड़ा टाइम के अंदर बहुत सारी वीडियोस इनकी आने वाली हैं। और भाई साकिब भाई हमारे साथ है, ये भी वीडियोस बनाते हैं। तो मेरे सामने आप देख सकते हो भाई, ये है भाई वो स्टेडियम। सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे भी इंटरनेशनल मैचेस होने वाले हैं और इस स्टेडियम के अंदर, जो कि स्टेडियम की कैपेसिटी आप कह सकते हो, जो इसके अंदर लोग जो यहाँ पे सिटिंग्स हैं वो 40 से 50,000 है। अगर कंपैरिजन किया जाए मोहाली के पीसीए स्टेडियम का और मुल्लापुर के स्टेडियम का, तो भाई यहाँ पे ना बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज जो है पीसीए स्टेडियम से डबल है भाई, डबल। चंडीगढ़ के अंदर क्योंकि तो स्टेडियम होने वाला है, ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है भाई। यहाँ पे ना मजा आएगा, मुझे तो इंतजार है उन दिनों का जब यहाँ पे मैच होने वाले हैं। और कोशिश मेरी यही रहेगी जब यहाँ पे पहला मैच होगा ना, मैं यहाँ पे जरूर आऊँ। ये स्टेडियम का लोकेशन है ना, ये आप कह सकते हो कि थोड़ा सा ना विलेज एरिया के अंदर है, तो पार्किंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि कई बार आपको पता होगा, हम पीसीए स्टेडियम मोहाली में जब भी जाते रहे हैं तो वहाँ पे पार्किंग का बड़ा इशू होता था। पार्किंग मतलब बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा होता था, तो यहाँ पे ऐसा पार्किंग का कोई इशू नहीं आने वाला। क्योंकि आपको मैं ऊपर से जब दिखाऊंगा ना व्यू, तो आप देख पाओगे कि पार्किंग कितनी दूर दूर तक अपनी गाड़ियाँ जो आप पार्क कर सकते हो। देख रहे हो शीशे, अभी ना इनकी सफाई नहीं हुई है अभी। ये मेरे ख्याल से वीआईपी लॉज है भाई यहाँ पे। सो गाइस, हम यहाँ से लेने वाले हैं ड्रोन शॉट्स यहाँ के। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, तो वीडियो बने रहो यार। आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जितना मुझे इसके बारे में पता था वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, देखो सामने वो वहाँ से दरवाजा खुला दिख रहा है। वैसे यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, ठीक है, हम जो है बात करके ही आए हैं वैसे इनसे, बट ये किसी को आने नहीं देते। दोस्तों, बंद दरवाजों को खोलते खोलते हम पहुँच चुके हैं भाई स्टेडियम के बिल्कुल टॉप वाले लेवल पे। अब यहाँ से कुछ और ही मजा आएगा भाई ड्रोन शॉट्स लेने का। तो हम रेडी करते हैं भाई अपना सेटअप। यहाँ का व्यू भी यार बहुत सुंदर है यार, आसपास का खेत ही खेत है, अच्छी लोकेशन है। आपने अभी तक देखे यहाँ के ड्रोन शॉट्स, और ये इसका पार्किंग वाला एरिया है, ठीक है पीछे। ये मतलब चारों तरफ ही पार्किंग है वैसे, और ये काफी मतलब कितने एकड़ के अंदर है भाई? ये 41 एकड़ के अंदर है। तो जो ये स्टेडियम है 41 एकड़ के अंदर बना हुआ है, काफी मतलब अंदर अभी हम जाके आए, हमने जरा वीडियोज वगैरह बनाई यहाँ की, ठीक है। बहुत मजा आया भाई अंदर आके, ठीक है। अब जब यहाँ पे मैच कभी होगा तो दोबारा आएंगे यहाँ पे। फिलहाल के लिए दो हमें इजाजत, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।